मानूर, तुम आयशा के साथ क्यों? सारा कहाँ है? भाई वो एक्चुअली सारा की दोस्तों ने आज उसके लिए पार्टी रखी है, तो वो उसके लिए रेडी हो रही है। हाँ, मुझे याद है, बता रही थी। भाई आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? अरे आप कब आए? बहुत बस थोड़ी देर पहले। हाँ थके हुए लग रहे हो, आराम कर लो। मैं ऐसा करती हूँ, ड्राइवर के साथ चली जाती हूँ। हाँ लेकिन मुझे पिक करने जरूर आ जाना, मेरी सारी दोस्तों को मिलना है तुमसे। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। मानो, तुमने अभी तक आयशा को तैयार क्यों नहीं किया? जाओ जल्दी से तैयार करो, सारा को देर हो रही है। आयशा, हाँ, आयशा तुम्हारे साथ ही जाएगी। लेकिन आयशा मेरे साथ जाके क्या करेगी? मुझे तंग करेगी वहां पे फालतू में। अगर तुम्हें नहीं तंग करेगी तो किसको तंग करेगी? अब तुम ही उसकी माँ हो। मगर जुहेब भाई, रहने दें, सारा ठीक कह रही है, आयशा तंग करेगी सारा को। मैं अभी संभाल रही हूं ना आयशा को, थोड़ी देर में मैं मामा को दे दूंगी, वो देख लेंगे आयशा को। मैं 1-2 घंटे में वैसे भी आ जाऊंगी। अब आयशा मामा की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है सारा। अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम उसे अपने साथ ही लेकर जाती ना। अब जाओ जल्दी से आयशा को तैयार करके लेकर आओ। जी भाई। उमर, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी अम्मी, बोले। तुमने क्या सोचा है फिर? तुम्हारे होने वाले ससुराल से फोन आ रहा था, वो मंगनी करना चाह रहे। अब तुम्हारे अब्बू तो मंगनी के हक में बिल्कुल भी नहीं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर निकाह करना ही है तो फिर रुख्सती भी साथ ही कर लेते हैं। लेकिन ये देख लो कि ये सब कुछ अब बहुत जल्दी करना पड़ेगा। उमेर, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम खामोश क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो तुम? अम्मी, आप हादिया के बारे में क्यों नहीं सोचते? अम्मी, अरे उसी के बारे में तो सोच रही हूँ दिन रात। देखो मैं, तुम भी जानते हो कि आजकल कवारी बच्चियों के लिए भी अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। हादिया के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा मुझे। देखो मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में फिर से कोई गलत फैसला कर ले हम लोग। उस बच्ची ने पहले ही बहुत दुख झेले, और अगर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी एक साथ कर दूंगी। नहीं, अम्मी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं वो देखो मेहर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें हादिया की कितनी फिक्र है, मुझे भी उसका बहुत ख्याल है। अब ऐसे में अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? तुम्हारी नजर में अगर कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे जरूर बताओ, क्योंकि उसका रिश्ता आसानी से तो नहीं होगा। अब हादिया तलाक याफ्ता भी है और एक बच्चे की माँ भी है। अम्मी, एक जगह है जहां आप उसका रिश्ता कर सकते हैं, और लड़के पे भी आपको बहुत भरोसा है। कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? अम्मी, आप हादिया की शादी मुझसे कर दें। उमेर क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, हादिया को इस घर से बेहतर जगह नहीं मिल सकती। और मुझे हादिया से बेहतर लाइफ पार्टनर।
शबाना, शबाना इधर आके इसे लेके जाओ, इससे पहले मैं इसे उठा के फेंक दूं। सारा आराम से, इसे सुन दिया तो आफत आ जाएगी। कोई सुनता है तो सुने, मुझे नहीं पड़ता फर्क। आज की वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। तो मैंने तुम्हें मना किया था ईशा को साथ नहीं लेके जाना, तो घर पर ही छोड़कर जाती। मैंने तो किया था मना, जुहेब ने कहा अपने साथ लेकर जाओ। चलो सारा, गुस्सा मत करो, आराम से। मैं तुम्हें सारा इससे दिन के लिए मना करती थी। एक बच्ची के बाप से शादी करना इतना आसान नहीं होता। कितने अच्छे अच्छे तुम्हारे लिए रिश्ते आए थे, सब मना कर दिया तुमने। देखो तुम्हें बहुत समझदारी से चलना होगा। मगर मम्मा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आयशा को। हाँ भाई सारा, कैसी रही तुम्हारी पार्टी, मजा आया दोस्तों के साथ? मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं चली गई, मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए था। ये आयशा रो क्यों रही है? भाभी, आयशा ने सारा को बहुत तंग किया हुआ, इस वजह से बहुत अपसेट हुई भी है सारा। ये बात तो है, छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं, इंसान पार्टी को इतना एंजॉय नहीं कर सकता। हादिया, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मजलूम समझकर अपने घर में सहारा दिया, ये सोचते हुए कि इस दुनिया में तुम्हारा हमारे अलावा है ही कौन। अगर हम तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे तो तुम कहाँ जाओगी? क्या हुआ मुमानी, मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं हादिया, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई कि हमने तुम्हारी मजबूरी देखते हुए तुम्हें इस घर में रखा, और तुम हो कि मेरे जवान बेटे को तुमने ऐसे बरगलाया। बात क्या है, आप क्या कह रही हैं मुमानी? मेरी तो उमेर से कोई बात नहीं हुई। इतनी मासूम मत बनो हादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या बात कर रही। तुमने कोई तो ऐसा चक्कर जरूर चलाया है कि उमेर सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने की बात कर रहा है। देखो हादिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ कि तुम अपने दिलो दिमाग से उमेर का ख्याल निकाल दो।